सुजात भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपकी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है मजनू का, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी रोमांटिक ट्रायंगल लव स्टोरी जो मजनू आ रही है 22 मार्च 2024 को, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों की, बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मजनूगिरी की कभी? मजनूगिरी हर कोई करता है यार, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, तो हर किसी की जिंदगी में मजनू। जैसे फिल्म आपने बनाया है, तो कॉलेज के टाइम पे कुछ यादें हैं जो मजनूगिरी टाइप का हो, जब फिल्म बनाने से पहले सोचा आपने? हाँ बिल्कुल, जब फिल्म हम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कुछ रियल इंसिडेंट जो इंस्पायर होता है इंसान, तो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो राइटर हमारे सभा वर्मा जी उन्होंने इसमें डाले थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन मिला, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो रिपीट हुई। क्या कुछ संदेश देंगे हमारे हिंदुस्तान वासियों को? एक बड़े ही खूबसूरत म्यूजिक, जैसा कि म्यूजिक हमारे गुरमीत सिंह जी ने किया हुआ है, बड़े अच्छे सिंगर्स हैं हमारी फिल्म में, अशमत सुल्ताना, कमाल खान, शायद मालिया, मन्नत मोर, सुमन भारद्वाज, तो एक बहुत ही कलरफुल फ्लेवर मिलेगा, हंसी से लेकर के रोने तक का वो पूरा जो सफ़र है वो इस फिल्म में देखने को मिलेगी, तो पोस्टर से सब लोग जान ही जाएंगे कि किस तरह की कलरफुल फिल्म है। किसने निर्माण किया है और कौन कौन से कलाकार इस फिल्म में? इस फिल्म में हमारे प्रोड्यूसर हैं तिलक कसारी सर, और हमारे साथ स्टार कास्ट में है प्रीत भाट, किरण शेरगिल, सैबी सूरी, मलकीत रौनी जी, शिवेंद्र महल, अपने बब्बर गिल जी। फिल्म के जो हमारे हीरोइन हैं उनके बारे में जरा बताना चाहेंगे, कौन है, कहाँ के रहने वाली हैं? इस फिल्म में जैसे कि किरण शेरगिल जी जो हैं बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस और बहुत ही लाजवाब कलाकार हैं, और इन्होंने मजनू में जो कैरेक्टर किया है वो कैरेक्टर बखूबी निभाया उन्होंने, और कहानी उन्हीं की जो है घूमती है और बड़ा ही गजब तरीके से मतलब उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपना कैरेक्टर। अच्छा, फिल्म का सबसे बड़ा कड़ी होता है कि लिखा किसने है और कैसे इसको, क्या सोचा है जरा, है क्या जरा राइटर के बारे में बताएंगे? हमारे राइटर सभा वर्मा जी हमारे साथ ही हैं सर, एक मिनट अगर आप ठीक है, तो राइटर से जानते हैं बेहतर ये बताएंगे। सभा जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी फिल्म का आज फर्स्ट लुक आउट हुआ है, क्या कुछ दर्शकों को संदेश देगी फिल्म आपके माध्यम से? संदेश यही देंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। आपकी फिल्म क्या संदेश देगी? ये एक पैशन है, एक डेडिकेशन है, एक इसका प्यार का, रिश्तों का, मोहब्बत का एक ऐसा सिला है फिल्म के अंदर, जिसमें मोहब्बत की लड़ियाँ आज के ज़माने में जहाँ हम नाश्ता के लिए मरते हैं और एक दूसरे के लिए जलन करते हैं, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी और जिंदगी का निर्माण करती है। जैसे कि आप राइटर हैं, हो सकता है कि आपकी स्टोरी हो मजनूगिरी, जैसा आपने किया हो वैसा लिखा हो, ऐसा कहीं ना कहीं सबके साथ होता ही है। अच्छा, इंसान मजनू होता है। अच्छा, हमारे तो यहाँ तो हर कोई मजनू है, इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं सब मजनू हैं। आप अपने जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपने जो लिखा बखूबी उन्होंने वैसा उतार दिया पर्दे पे? खुद अपने आप में मजनू हैं एक्चुअली। क्या बात है उतारे सर, कब तक ये दर्शक हमारे फिल्म देख सकते हैं सिनेमा हॉल में? ये सिनेमा हॉल्स में आप देख सकते हैं 22 मार्च 2024 को, उससे पहले काफ़ी कुछ धीरे 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 कुछ कुछ चैप्टर्स खुलेंगे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब कनेक्टेड रहें। क्या कैसे पेन रिलीज हो रहा है या किस कौन रिलीज कर रहा है इसको? वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हैं सिनेपॉलिस ऑफिशियल, ये इंडिया रिलीज कर रही है, साथ ही में हमारे ओवरसीज पार्टनर्स भी हैं सिनेपॉलिस के साथ, तो बड़े ही धूमधड़ाके से फिल्म जो है मार्च में लोगों के घर तक आएगी। सर, ये तो हुई मजनू की बात है, और आपकी भी हिंदी फिल्में सुना हो कई सारे रिलीज हो, जरा नाम बताएंगे फिल्मों का? जी, मेरी फिल्में मानसून, मुरारी, माई फादर इकबाल, सर्जिकल स्ट्राइक, मिशन बारात, और अभी एक फिल्म आने वाली है ऑपरेशन बारात, और इसके अलावा कुछ और फिल्में। इसके बाद इस रिलीज के बाद क्या कुछ प्लानिंग चल रही है अभी? रिलीज के बाद अभी देखते हैं, पहले तो फोकस है मजनू को अच्छे तरीके से सिनेमा घरों तक पहुंचाएं, उसके बाद फिल्म डेफिनेटली सेम प्रोडक्शन से हम कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। काफी दर्शक आपके वीडियो देख रहे हैं जो मजनू की इस वक्त कर रहे हैं कॉलेज में या स्कूल में, कोई ऐसा संदेश जो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो लड़की पटाने के लिए? हाँ, इस फिल्म को देखें आकर के तो पता चलेगा कि कैसे एक ट्रायंगल लव स्टोरी में मजनूगिरी को कैसे आप यूज कर सकते हैं और ज्यादा लड़कियां पटा सकते हैं।